एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई एम गोना शो यू अ हॉल वीडियो। फाइनली दिस इज माय फर्स्ट एवर क्लोथिंग हॉल ऑन माय चैनल। और इंट्रोडक्शन वीडियो मैं ऐसे इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि पहले जो मैंने शूट की थी वो गलती से मुझसे डिलीट हो गई है, तो एक क्लिप आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। सो फर्स्ट कुर्ती की तरफ बढ़ते हैं हम, स्टार्ट करते हैं हमारा हॉल। तो सबसे फर्स्ट कुर्ती जो है मीशो से मैंने ली है वो ये है, जो मैंने ऑलरेडी पहन रखी है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, बट ये लाइट यू नो फेस्टिवल की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो। यू कैन वेयर इट विथ योर प्लाजो, यू कैन स्टाइल विथ अ दुपट्टा एंड इट विल बिकम अ फेस्टिव लुक। एंड फॉर कैजुअल लुक यू कैन स्टाइल लाइक दिस। जैसे मैंने वॉच पहन रखी है एंड गोल्डन लेगिंग पहन रखी है साथ में। मैं यहाँ पे एक्चुअली मेरा प्लाजो और दुपट्टा दोनों लाना भूल गई हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है गोल्डन कलर के, बट यहाँ पे मैं सारा लाई नहीं हूँ तो अनफॉर्चुनेटली आई कैनॉट शो यू दैट, बट आई कैन डेफिनेटली गिव यू स्टाइलिंग टिप्स। ज्वेलरी भी मैंने नहीं पहन रखी बिकॉज मुझे सब कुछ ढूंढना पड़ेगा एंड लाइट इज गोइंग अवे। सो ये मेरी फर्स्ट कुर्ती है। मीशो से वो है चिकनकारी कुर्ता विच इज दिस, एंड आई शो यू हाउ इट लुक्स। जो बेस्ट वाली है ना वो मैं एंड तक देखूंगी, तो जो एंड तक नहीं देखेगा वो थोड़ा लॉस में रहेगा, क्योंकि जितनी भी मैं हॉल वीडियोस बनाने वाली हूँ उसमें जो भी मेरा फेवरेट पर्सनल आइटम होगा वो मैं सबसे एंड में आपको दिखाया करूंगी। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। दिस इज अ मतलब नॉर्मल चिकनकारी कुर्ता। ऑफकोर्स इस पे थ्रेड वर्क हुआ है एंड ये मटेरियल जो है ना ये शिफॉन मटेरियल है। ऑफ कोर्स ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मटेरियल तो मैं नहीं कहूँगी, बट अकॉर्डिंग टू द प्राइस रेंज क्या ही लोगे और, तो दिस इज हाउ इट लुक्स। नेक इसका अच्छा है, हैवी है, मतलब चेस्ट पे पूरा थ्रेड का वर्क है एंड स्लीव्स प्लेन है, एंड देन यहाँ पे स्लीव्स के कॉर्नर पे आपको ये थ्रेड की डिज़ाइन मिलती है फिर से, एंड दिस इज़ इन द पान शेप विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग। बट दी ओनली ड्रॉबैक जो मुझे लगता है कि मीशो के चिकनकारी कुर्ते में होता है, क्योंकि मैं एक्चुअली दो तीन बार मंगवा चुकी हूँ और जो चीज़ मुझे नहीं पसंद आई वो ये है कि इनर इनका बहुत ही मतलब चीप क्वालिटी का होता है। इनर आपको खुद से ही अपना लेना पड़ेगा, अच्छा सा कोई सैंडो खरीद लो एंड यू गुड टू गो। बट ये अच्छा है कि इस वाले इनर की ना लेंथ काफ़ी अच्छी है, मतलब पूरा नीचे तक है तो कहीं से भी ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेगी आपकी कुर्ती। हमारी सेकेंड कुर्ती है, मैं क्लिप्स डाल दूंगी आप देख लो। कुर्ता है और इसका डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा था, मतलब अलग लगा था थोड़ा सा एंड पहन के भी अच्छा लग रहा था। सो यू कैन सी कि ये कुछ ऐसा लगता है। अब इसमें पूरे में थ्रेड वर्क है विच इज़ अ रियली गुड थिंग, बिकॉज यू नो ये मुझे होली के पहले बनाना चाहिए था वीडियो, बिकॉज ये होली या ऐसी चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा है। बहुत ही यू नो दिन का जो फंक्शन होता है, जैसे होली पे हम लोग नॉर्मली वाइट क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं, अगर आपको वैसे जैसे मान लो लोहड़ी पे पहनना है या कभी ऐसे पहनना है तो यू कैन पेयर इट अप विद अ कलर्ड दुपट्टा और एनीथिंग। सो दिस लुक्स वेरी परफेक्ट फॉर दैट ओकेजन। इसका अगेन मटेरियल जो है वो शिफॉन जैसा ही है थोड़ा सा, एंड स्लीव्स पे ना हल्की हल्की फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी जैसी करी हुई है, बट काम इसमें पूरे में है। सो या आई रियली लाइक इट।
दिखाने वाली हूँ ना वो काफ़ी ट्रेंडी हो चुकी है मीशो पे, और आप हर जगह देख रहे होगे उसे, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे सब लोग पहन रहे हैं एंड काफ़ी अलग अलग कलर्स भी आ रहे हैं। मोस्टली तो ब्लैक पहन रहे हैं सब लोग, बट मैंने इसे रेड कलर में मंगवाया है एंड आई क्वाइट लाइक इट। बट द थिंग इज कि इसका नेक काफ़ी डीप है, तो आपको अंदर स्पैकेडी या कुछ ना कुछ आपको पहनना ही पड़ेगा इसके अंदर। बट दिस इज हाउ इट लुक्स। ये कॉटन ही है आई गेस, एंड दिस इज मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि कलर मतलब ऐसा अच्छा ही आएगा, क्योंकि कई बार होता है ना मीशो पे दिखाते कुछ और है, कलर कुछ और आता है, बट इसके साथ ऐसा केस नहीं है। इसका कलर वैसा ही है जैसा दिखाया था एंड अच्छा रेड कलर है। नाउ आई एम नॉट श्योर कि धोने के बाद निकलेगा या नहीं, बिकॉज मैंने ट्राई नहीं किया है, अब मैं ट्राई करूंगी। बट और इसके ऊपर ये ऐसा प्रिंटेड है ये चोली में, इसकी मुझे मैंने ये क्यों मंगवाया, मुझे ये अच्छा क्यों लगा, बिकॉज पहली बात तो इसका नेक जो है वो वी है, और वी नेक मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों अट्रैक्ट करते हैं। आई लव वेयरिंग वी नेक्स बिकॉज उसमें हो सकता है शायद आप थोड़े से स्लिम दिखते हो या फिर पता नहीं, वो बस मुझे अट्रैक्टिव लगता है। तो पहली चीज़ ये अट्रैक्ट करी थी। दूसरी चीज़ ये थी कि इसकी जो चोली है ना, इसमें ये जो डिज़ाइन है ये यूं होके जा रही है थोड़ी सी, तो अगेन दैट गिव्स अ वेरी बोहो काइंड ऑफ लुक। सो ये काफ़ी बोहो काइंड ऑफ कुर्ता है, यू कैन ऑल्सो वेयर इट एज अ मिडी ड्रेस। तो एक ये बेस्ट वाली मैंने लास्ट के लिए सेव करके रखी हुई, मतलब इन सब में जो मुझे बेस्ट लगी वो थी ये वाली कुर्ती। इसकी क्वालिटी भी मुझे काफ़ी सही लगी, और ये इस हॉल में सबसे महंगी कुर्ती है, मतलब दूसरों के कंपैरिजन में। आई थिंक आई गॉट इट फॉर लाइक 537 और समथिंग, एंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी। सो यू कैन सी, ये तो इसकी चोली है यहाँ तक की, एंड इसमें चूनाटे डली हुई है विच लुक्स वेरी क्यूट। एंड इसको मैंने प्लाजो पर भी ट्राई किया था एंड इसको मैंने लेगिंग पर भी ट्राई किया था, दोनों पर ही काफ़ी अच्छी लगी थी। कलर मुझे इसका काफ़ी पसंद आया, बहुत ही रिच कलर है, मतलब आप पहनोगे ना आपका फेस एकदम से खिल जाएगा, यू विल गेट दैट ब्राइटन्ड अप वाला लुक आता है ना कोई कपड़े को पहन के, उसमें ये इसमें आता है, इसलिए मुझे ये वाला कुर्ता सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा, बिकॉज बहुत ही अच्छा बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आता है पहनते, आपका चेहरा एकदम खिल उठता है। तो कलर वाइज मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पता नहीं क्यों मुझे वैसे ही पर्पल कलर्स बहुत पसंद है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इसमें बीच में बटन्स दे रखे हैं, यू कैन सी, ऑफकोर्स ये खुलते तो नहीं है, ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए दे रखे, तो ये बीच बीच में बटन्स हैं इसके, एंड लास्ट में जाके ना छोटू सा स्लिट है बीच में, अगेन बहुत ही अच्छा लगा मुझे, सिंपल सोबर सा क्यूट सा डिज़ाइन दे रखा है इन्होंने बीच में, ये देख सकते हो आप स्लिट दे रखा है, तो ये ऐसी लगती है। नॉर्मली ना आई डोंट लाइक टू शॉप फ्रॉम एप्स लाइक मीशो और समथिंग, क्योंकि यू नो आई लाइक टू वेयर क्वालिटी क्लोथ्स ओनली, बट जैसे आपको डेली में पहनना है, घर में पहनना है, तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप ऐसे हल्के हल्के सूट्स खरीद के वो पहनो, तो आपको अच्छे भी लगेंगे, लाइट वेट लगेंगे, और घर में पहनना थोड़ा यू नो मुझे अच्छे मतलब दिखने में अच्छे होने चाहिए कपड़े, वैसे कपड़े पहनने होते हैं, तो घर में पहनने के लिए, कहीं आसपास पहनने के लिए, वर्क प्लेस पे कॉलेज में पहनने के लिए ये चीज़ें एकदम ना परफेक्ट रहती है। ये मेरी पहली क्लोथिंग हॉल वीडियो थी, सो प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट बिकॉज इट विल गेट बेटर डेफिनेटली। आई एम ट्राइंग टू बिकम बेटर एंड बेटर विद माई कंटेंट। अगर कोई नोटिस कर रहा है आप लोगों में से, तो आपको दिख रहा होगा कि आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड टू यू नो
level up my thumbnail game and create good content. Videography थोड़ी सी मैं try करती हूँ कि मेरी better हो जाए. तो haul videos भी मैं और ज़्यादा लाना चाहती हूँ, अगर आपको ये पसंद आता है तो definitely, and I will work on it. So फिलहाल यही है. और next आपको जो भी haul video चाहिए, Amazon की, Meesho jewelry haul, Amazon jewelry haul, Myntra haul, whatever haul you want, आप please मुझे comment करके बताइए, so that I know कि मुझे क्या content आगे create करना है. and सब्सक्राइब तो करना ही है, जिन्होंने कर रखा है थैंक यू वेरी मच. एंड आपको बेल आइकन भी दबाना है ताकि मैं कोई भी वीडियो आगे डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.